हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आपको बस मेरे मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप देखिएगा आपका टी केक कितना सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। मेरे चैनल शेफ डीवा को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक दीजिए, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है। वेट पे मेजर करेंगे तो ये 150 ग्राम है। ये हम पिसी शक्कर लेंगे, ये 170 ग्राम है यानी 3/4 कप। साथ में हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। उसके साथ में हम यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे। ये अच्छे से अब सिफ्ट हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 एग्स लेंगे, ये रूम टेम्परेचर एग्स हैं, और ये चारों एग्स हमें अच्छे से मिक्स करना है यानी बीट करना है। तो अब हम इसे मीडियम स्पीड पे कम से कम 4 मिनट लिए बीट करेंगे, जब तक कि इसका फ्लफी टेक्सचर ना हो जाए बिल्कुल। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद ये इस तरीके से ऐसे फ्लफी फ्लफी लगेगा। इसी तरीके का टेक्सचर में चाहिए है। तो हमने इसे 4 to 5 मिनट्स इसी तरीके से बीट किया है और अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो डाल देंगे। साथ में हम 1.5 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। और अब हमें इसे फिर से बीट करना है। करीब 2 से 3 मिनट हम इसे बीट करेंगे। एक से दो मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से ऐसे इकट्ठा कर लेंगे किनारे से, और फिर से हम इसे बीट करेंगे ताकि सब अच्छे से बीट हो जाए इकट्ठा। दो से तीन मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि बैटर ऑलरेडी बीटन है बस हम इसे 30 सेकंड्स और बीट करेंगे ताकि ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये हमारा बैटर अब रेडी है। आप इस बैटर में ऑयल या बटर जो भी डालें एंड में ही डालिएगा। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और अपना मोल्ड रेडी करते हैं। ये हमने बटर पेपर काट के रखा था। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऐसे ग्रीस कर लेंगे इसे। और अब हम जो हमने बटर पेपर रेडी रखा था वो हम ऐसे इसमें लगा देंगे, और उसी सेम ब्रश से हम ऊपर से भी इस तरीके से ऐसे ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और इसके साथ हमने ओवन भी अपना प्री हीट पर लगा दिया है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। और अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हम इसे 3 टाइम्स इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसे 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। 35 मिनट्स के बाद हमने इसे निकाल लिया है, और अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक सही से बेक हुआ है कि नहीं। तो हमने नाइफ़ एक इंसर्ट करेंगे। नाइफ़ अगर क्लीन आ रही है तो देखें ये क्लीन आई है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कॉर्नर्स इस तरीके से ऐसे पहले कर देंगे किनारे किनारे से नाइफ़ की हेल्प से, और फिर हम इसे बस हल्के हाथों से इसे टर्न करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये केक ईजली निकल आएगा इस तरीके से। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब बस हम पीछे से इसका ये बटर पेपर निकाल देंगे और अब हम इसे कट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हम हटा देते हैं, हम आपको दूसरा पार्ट कट करके दिखाते हैं इसका। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा केक बन के रेडी हुआ है। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी केक बना है। बहुत ही लाइट केक है ये, और बना भी बहुत टेस्टी है।
मार्केट के टी केक से कहीं ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी केक है ये। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइएगा। थैंक यू।